छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। विधायक दल का नेता बनने के बाद साय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इस दौरान जी न्यूज से खास बातचीत में भावी मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है जिसको पूरी तरह निभाएंगे। विष्णुदेव साय ने पिछली सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को खोखला कर दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार में डबल विकास होगा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपने बहुत सारे वादे किए हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक है। क्या फैसले होंगे जब सरकार आपकी शपथ ले लेंगे उसके बाद? बड़ी जवाबदारी तो है, कहे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरा प्रदेश को खोखला करके रखा है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार में हम लोग कामयाब होंगे और जो भी मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। कब शपथ लेंगे? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दो उप मुख्यमंत्री की बात सामने आ रही है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। अच्छा, ये बताइए कि क्या, जैसे कि आवास एक बड़ा मसला था, दूसरा किस 25 तारीख को किसानों का बोनस भी देना है, तो ये फैसले भी होंगे? बिल्कुल होंगे। सबसे पहले तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेंगे और 25 दिसंबर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो भी किसान उस दौरान में 2 साल में धान बेचे हैं उनके खातों में जाएगा। आदिवासी समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है, तो समाज को जाहिर तौर पर बहुत सारी उम्मीदें होंगी। बिल्कुल, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को इतने 55 मतों से आदिवासी क्षेत्रों में जिताए हैं। 2024 का महत्वपूर्ण चुनाव है, पिछली बार आप 9 सीटें जीते थे, इस बार 11 की 11 सीट जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कह रहे थे कि जो वादे हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया, जी न्यूज़।